हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में एनएस की। मतलब कि आप सभी को पता है, जो लोग मेरा वीडियो कुछ टाइम से देख रहे हो या फिर एक भी वीडियो आपने देखा है, तो आई लव माय बाइक, इसकी तारीफें करता रहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डाउन साइड नहीं है, और प्रोज तो सारे बाइक्स में है, नो डाउट। सबके प्रेफरेंसेस के हिसाब से लोग बाइक लेते हैं, बट डाउन साइड हर बाइक में होता है, तो इस बाइक में भी है। आप सर्विस ले लो या कुछ भी ले लो, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि डाउन साइड है एनएस में, और वो किसी बायर के डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है वो है कि लेटेस्ट जो 200cc या फिर इस सेगमेंट में जो बाइक्स हैं, उसमें आप बहुत सारे अपडेट्स देखोगे, जैसे कि LED इंडिकेटर्स एंड LED हेडलैम्प, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अपडेट होता है, ड्यूअल ABS होता है। सो ये सारी चीज़ें जो मिसिंग है ना, मुझे लगता है कि NS जैसा बाइक का एक मेजर डाउनसाइड है। फॉरगेट अबाउट LED हेडलैम्प और अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सिर्फ ABS भी आ जाए ना तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। मुझे बहुत बार ऐसा फील हुआ है कि जो ABS है वो नहीं होने के कारण थोड़ा सा रिस्क फैक्टर मुझे दिखा है रोड्स पे, खासकर वेट रोड्स पे और माउंटेन के जो कर्व्स वगैरह होते हैं ना उस पे। अब देखो, NS जैसी बाइक है तो मैं इसको कम्यूटर के तरह तो नहीं चलाऊंगा, मतलब कि जब मुझे थोड़ा फन चाहिए, जब थोड़ा पंच चाहिए, आई रेव इट हार्ड, आई डू ऑल दोज। लेकिन एक दो बार ऐसा मोमेंट हुआ है जब मुझे सडन ब्रेकिंग करना पड़ा है, मतलब कि गिरा नहीं हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, पीछे का जो व्हील है वो लॉक हो गया है। समहाउ आई हैव मैनेज्ड एंड आई नो लॉट ऑफ बाइकर्स विल बी एबल टू मैनेज इट। लेकिन देखो, सब चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, कभी ऐसा हो सकता है कि हम मैनेज ना कर पाए। तो मुझे लगता है कि 200cc में जिस तरह की पावरफुल ये बाइक है, बजाज को ABS जो है वो अब दे देना चाहिए। उसी पॉइंट में मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी, इस पर भी अपडेट ले आओ यार। मतलब कि देखो, इस पर भी कोई खास अपडेट नहीं है, तो मुझे लगता है कि गियर शिफ्ट इंडिकेटर एंड ऑल, फ्यूल इकोनॉमी, ये सब दिखना चाहिए यार। आजकल 150-125cc के बाइक्स में ये सब अवेलेबल है। नाउ पॉइंट नंबर टू के बारे में हम लोग कहीं रुक के बात करेंगे, बिकॉज मुझे आपको कुछ कुछ दिखाना है इस पर। ऑलराइट, सो जो पॉइंट नंबर टू है वो है इसके फिटिंग क्वालिटी के बारे में, पार्ट्स की जो फिटिंग क्वालिटी है ना उसके बारे में। तो अगर आप देखो, अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ, ठीक है, आई विल रिपीट, आई डोंट नो वेदर यू नोटिस इट नॉट, और ऑडियो पे ठीक से आ रहा है कि नहीं, बट व्हेन आई रेव इट हार्ड, एक बैकग्राउंड में एक थोड़ा सा आवाज़ आता है, जैसे कुछ लूज़ हो गया है। और देखो, चीज़ें लूज़ हो सकती हैं, लेकिन ये एक पुराना प्रॉब्लम रहा है। एक बार बहुत पहले यहाँ से कोई आवाज़ आ रहा था, जिसके लिए मुझे सर्विस सेंटर में बहुत ही बार जाना पड़ा था, बहुत झमेला करना पड़ा था उसको ठीक करने के लिए। और ये देखो, यहाँ का नट बोल्ट जो है वो मिसिंग है, और मिसिंग ही नहीं है, ये एक्चुअली टूट के गिरा था। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि वेल्डिंग का यहाँ पर थोड़ा जले का निशान है, ये इसलिए है बिकॉज मैंने इसको जो है वेल्डिंग करवा कर निकाला है। और सिर्फ इस साइड नहीं, दूसरे साइड भी सेम प्रॉब्लम हुआ था। वेट, आई टर्न द इंजन ऑफ। सो इफ यू सी, यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हुआ था, यहाँ पर मैंने नया स्क्रू लगा लिया, और जिस दिन मैंने ये नया स्क्रू लगाया उसी दिन दूसरे साइड का टूट के गिर गया, जबकि मेरा बाइक जो है कभी गिरा नहीं है। एक बार गिरा था स्टैंड स्टिल में, अगर आपने वीडियो देखा है तो, वो बाइक खड़ा था और एक कार वाला बैक करते हुए बाइक को गिरा दिया था। आई डोंट थिंक उस इम्पैक्ट में इतना बड़ा कुछ होना चाहिए, बिकॉज दोनों साइड का स्क्रू जो है आधा टूट के गिरा हुआ था। सो ये प्रॉब्लम है, और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारी जो मुझे लगता है कि इनको इम्प्रूव करना चाहिए। कुछ टाइम में आपका ये जो है ये लूज़ हो जाता है जब आप रेव करोगे, अभी भी आपको पता चल रहा है, जब आप रेव करोगे तो वो रैटल करना शुरू करेगा। एक दो चीज़ें हैं जो रैटल करती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है, बट आई थिंक ये इम्प्रूव करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं राइड क्वालिटी को वो इम्पैक्ट करती है। हाँ, तो क्वालिटी एंड फिटिंग ऑफ पार्ट्स के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ, जो कि है इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ। जब मॉनसून का टाइम था तब मैं हैदराबाद में था, तो मेरा सारा मॉनसून वहीं पे राइड हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसके अंदर अभी चला जाता है पानी, अभी भी अगर इसको मैं अच्छे से वॉश करूँ ना तो इसमें थोड़ा थोड़ा अंदर से पानी जम जाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम ये हुआ है कि मेरा ये जो ऑडोमीटर का जो बटन है ट्रिप मीटर वगैरह चेंज करने के लिए, ये अब काम नहीं करता है। आई कैनॉट रियली चेंज द ट्रिप, तो ये मेन वाले पे बस सेट है, ट्रिप मीटर काम नहीं कर रहा है अब, क्योंकि बटन डिसेबल हो चुका है। और क्यों हुआ है? क्योंकि इसके अंदर पानी चला जाता है, उसके कारण इस पानी वानी कहीं चला गया। अब मैं जब सर्विस सेंटर में ये बात बोला ठीक करने को, तो वो लोग बस टाल रहे थे इस चीज़ को, अभी आइए, बाद में आइए, फिर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूखेगा तो ठीक हो जाएगा, इस तरह की बचकानी बातें करना शुरू कर दिया उन्होंने। बच्चे जब स्कूल में होमवर्क नहीं करते हैं ना, तब वो लोग ऐसा जवाब देते हैं, और अगर बच्चे ये बात बोल रहे होते तो समझ में आता। ये सर्विस सेंटर वाले इस तरह से टाल रहे थे ना, मतलब कि क्या ही बताऊँ। खैर छोड़ो, समझ गए होगे। तीसरा पॉइंट इसी चीज़ से रिलेटेड है,
तीसरा जो मेन कंसर्न है वो है इसका सर्विसिंग, जो आई थिंक बजाज को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे सर्विस सेंटर्स में, और सिर्फ बजाज नहीं, आई थिंक बाकी सर्विस सेंटर्स बाकी ब्रांड्स में भी ये प्रॉब्लम मैंने देखा है दोस्तों के साथ, कि सबसे पहले तो उनका टारगेट रहता है कि भाई आपका बिल कैसे बढ़ाएं, और बाकी चीज़ों के बारे में, दूसरे ब्रांड्स के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मुझे लगता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ही लथार्जिक है। इफ देयर इज अ न्यू प्रॉब्लम, इफ देयर इज अ थिंग वेयर दे नीड टू वर्क ऑन, दे नीड टू वर्क हार्ड ऑन, ये लोग बस टालने की कोशिश करेंगे कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज नॉर्मल, दिस हैपेंस, ठीक हो जाएगा, इस तरह की बातें। लेकिन एक सर्विस सेंटर है जिससे मुझे अभी तक कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुआ है, वो है OSL बजाज, जो कि कोलकाता में है, साउथ के साइड में है, साउथ सिटी से थोड़ा आगे, मुझे जगह का नाम पता नहीं, क्योंकि OSL जो है ये एक अच्छा बड़ा ब्रांड है आई थिंक, एंड दैट इज वाई उनकी सर्विस अच्छी है, बिकॉज सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो सर्विस सेंटर वाले हैं, थर्ड पार्टी हैं, जो थर्ड पार्टी है ना, आई डोंट थिंक उनको ब्रांड का कुछ ज़्यादा परवाह होता है। एक बार तो प्रॉब्लम मतलब इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं बहुत ही ज़्यादा आइरेट हो गया था इस चीज़ को लेकर के, और मैंने डायरेक्ट बजाज को मेल किया, और उनके तरफ से जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही बढ़िया था, एंड आई फेल्ट कि ऐसा होना चाहिए कस्टमर सर्विस। विद इन 10 मिनट्स पीपल कॉन्टैक्टेड मी, टॉप मैनेजमेंट कॉन्टैक्टेड मी एंड दे हेल्प्ड मी। इसके बारे में कभी विस्तार में बात करेंगे, अगर ऐसा कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना। सो लास्ट जो डिसएडवांटेज है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा उसके कारण, उसके बारे में बात करते हैं, तो वो है भाई रिलायबिलिटी की। तो ये कहने का मतलब जो है मेरा, वो इस चीज़ से है कि नो डाउट बाइक बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन अभी ना मुझे एक डाउट हमेशा लगा रहता है कि पता नहीं क्या चीज़ कब ख़राब हो जाए, और ऐसा इसीलिए क्योंकि रिसेंटली मेरे इंजन में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ गया था। उसके बारे में मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाया, बिकॉज उस वक्त कुछ अलग ही चल रहा था जीवन में। हुआ यूँ कि मैं यहाँ से राइड करके गया हैदराबाद, और उस वक्त तक मेरे ऑलरेडी 13-14 हज़ार किलोमीटर हो चुके थे, 16 हज़ार टू बी एग्जैक्ट अगर मुझे ठीक से याद है तो, जिसमें लॉन्ग राइड, सिटी राइड सब कुछ शामिल है। उस वक्त हुआ ये कि मुझे यहाँ पर ये जो ऑयल प्रेशर का जो आइकॉन है ये ग्लो करने लगा, तो मुझे लगा क्या प्रॉब्लम हुआ पता नहीं, बिकॉज बाइक तो ठीक ठाक ही चल रहा था। तो उसके बाद मैंने बाइक को रोका, इग्निशन को ऑफ किया, उसके बाद वापस से ऑन किया, वो जो आइकॉन है वो चला गया, मुझे लगा ये नॉर्मल सा प्रॉब्लम होगा। फिर उसके बाद बाइक ठीक ठाक चला एक वीक तक, उसके बाद मुझे इंजन से टिक 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 करके आवाज आने लगा, जो कि अगर आप YouTube में सर्च करोगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पल्सर्स में, इंजन से टिक टिक करके आवाज आता है, टैप इट या समथिंग उसको कुछ बोलते हैं ऐसा कुछ। तो मुझे लगा उसका प्रॉब्लम है, मैं उसको ठीक कराया, आवाज तो चला गया, उसके बाद फिर से ये जो आइकॉन है ये ग्लो होने लगा, और साथ ही साथ इंजन से एक आवाज आना शुरू हो गया, और वो आवाज काफी ज्यादा था, वो टिक टिक करके आवाज आना शुरू हो गया। अगर मैं बाइक को स्टार्ट करके स्टैंड में भी छोड़ दूं, विदाउट ड्राइविंग, हाफ स्टैंड की बात कर रहा हूं, तो बाइक एक तरफ जैसे ही टिल्टेड होता था टिक 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 करके आवाज होने लगता था। अगर मैं स्टैंड हटा करके भी खड़ा रहूं इंजन को स्टार्ट करके, और एक तरफ बाइक को थोड़ा टिल्ट करूं, तो वो आवाज आता था, आवाज काफी ज्यादा प्रोमिनेंट था और लाउड था वो आवाज। मुझे टेंशन होने लगा कि भाई क्या हो गया। एट द सेम टाइम मैं नोटिस किया कि एग्जॉस्ट नोट जो है वो चेंज हो गया था, इंजन का साउंड काफी चेंज हो गया था और बिगड़ गया था। उसके बाद मैं सर्विस सेंटर ले गया, फिर पता चला कि मेरा जो इंजन है उसका जो क्रैंक शाफ्ट है उसमें प्रॉब्लम हो गया है, और कुछ कुछ चीजें हैं जो इंजन में प्रॉब्लम हो गया है, उसको ठीक करने के लिए पूरा इंजन को खोलना पड़ेगा। तो उन्होंने पूरा इंजन को खोला, मेरा क्लच असेंबली भी चेंज किया, आई डोंट नो व्हाई। तो बहुत कुछ उस वक्त काम हुआ था, खैर वारंटी में था, काम तो हो गया, फिर भी इधर उधर से जोड़ के इन्होंने मेरा बिल लंबा कर ही दिया था कि इंजन पे काम करने का एक्स्ट्रा चार्जेस होता है, ये सब वो सब करके। तो इस तरह का प्रॉब्लम हुआ था। अगेन मैं इसके बारे में डिटेल में भी बात कर सकता हूँ, अगर आप चाहो तो, अगर आप कमेंट करके बताओ तो उसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। बट यस, बात यहीं पर आ जाती है रिलायबिलिटी पर, पता नहीं कौन सा पार्ट कब ख़राब हो जाए। मैं किसी दूसरे NS में तो खैर ये प्रॉब्लम नहीं देखा हूँ, शायद आई वॉज द अनलकी वन। हाँ, लेकिन बनने के बाद इंजन बहुत ही अच्छा रहा है, अभी तक अच्छा रहा है, एग्जॉस्ट नोट बिल्कुल नए की तरह हो गया है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है सब कुछ। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि डिसएडवांटेजेस हैं NS में, और कुछ कुछ अदर बजाज के बाइक्स में भी, जो एक बायर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। आई थिंक कंपनी को इन चीज़ों की तरफ देखना चाहिए, खासकर सर्विस सेंटर वाला जो कंसर्न है उस तरफ, और ABS वाला जो प्रॉब्लम है उस तरफ देखना चाहिए। बाकी सब अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, आई स्टिल लव माई NS बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चाहो तो उसके बारे में भी एक नया वीडियो बनाऊंगा। कमेंट करके बताना कि आपको NS के बारे में क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, आपकी क्या राय है इन चीज़ों के बारे में। बहुत लोग हो सकते हैं जो मेरे को भी उल्टा सीधा बोलेंगे बिकॉज मैं NS के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा हूँ, बट ये क्या है ना, ये रियलिटी है, सारे बाइक में नेगेटिव पॉइंट्स होती हैं। तो यस, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दोज वन आउट। तो ठीक है गाइज, अब इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आई होप मेरे जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर रहे होंगे। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए कमेंट सेक्शन में,
मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। आई'ड लव टू सी योर कमेंट्स। राइड्स के वीडियो देखना पसंद है तो मैंने अच्छे खासे लॉन्ग राइड्स किए हैं जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं सारे, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर और इस तरह के ऑफ रोड वगैरह। तो बहुत सारे कॉन्टेंट आपको मिल जाएंगे अगर आप राइड्स देखने में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल पर जाइए और वीडियोज़ चेक करिए। आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलो फिर यहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठ के आराम करता हूँ। ये मेरा मतलब कि ये वीक में एक दो बार आ ही जाता हूँ यहाँ पर सुबह को। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक करना नहीं भूलना, बिकॉज उससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को मिलता है रीच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। एंड यस, यू कैन फॉलो मी, डू सब्सक्राइब मी, और मिलते हैं अगले वीडियो में।